Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Rockistani Reactions. In today's video, I'll react to Pakistan Army most powerful secret weapon of Ghazi 1 and Ghazi 2. So, let's start the video. 1, 2, 3. पाक डिफेंस के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामुअलैकुम। नर्सिंग आर्मी, जैसा कि हमने बहुत से वीडियोस में बताया था कि पाकिस्तान अस्करी हथियारों के लिहाज से बहुत तरक्की कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के दुश्मन को भी खास तकलीफ है और वो पाकिस्तान के प्रोग्रामों को सबूताज करने की कोशिशें भी करते रहते हैं, लेकिन इनकी कोशिशें हमेशा नाकाम हुई है। दूसरी आम बात यह है कि पाकिस्तान अपने अक्सर हथियारों को खुफिया रखता है, लेकिन जब कोई दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात करता है तो पाकिस्तान फिर इसे बताता है कि संभल के रहना, हमारे पास तुम्हारी हरकतों का तोड़ मौजूद है। नासिंग रामी, आज हम जिस हथियार की बात करने जा रहे हैं, वो भी पाकिस्तान ने एक वक्त तक खुफिया रखा हुआ था, लेकिन अब जाहिर कर दिया गया है। इसका नाम गाजी 1 और गाजी 2 है। ये एक खुफिया इलेक्ट्रॉनिक हथियार है। ये किसी भी मुल्क को तबाह करने के लिए काफी है। इसके बारे में हम आगे चल कर तफसील से बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल के आइकॉन को दबा लें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। नासिंग रामी, पाकिस्तान का गाजी 2 हथियार इस कदर खतरनाक है कि इसके साथ पूरी दुनिया में किसी भी मुकाम को तबाह किया जा सकता है, किसी भी चीज को तबाह किया जा सकता है। दुश्मन के टैंक हो या त्यारे या मिसाइल, इनको तबाह करने के लिए काफी है। पाकिस्तान का गाजी 1 हथियार भी एक इलेक्ट्रॉनिक हथियार है, जिसमें से लहरें निकलती हैं, जिस जिस चीज से टकराती हैं आग लगा देती हैं। अगर इसको किसी त्यारे पर फायर कर दिया जाए तो इसे तोड़कर दो टुकड़ों में तब्दील कर देता है, और अगर टैंक पर फायर किया जाए तो टैंक जलकर भस्म हो जाएगा। पाकिस्तान का गाजी 2 एक खुफिया डिवाइस है जो इतनी ताकतवर है कि इसके जरिए किसी भी मुल्क को तबाह करने के लिए चंद मिनट की बात है। इसकी मदद से दुनिया के किसी भी मुल्क को तबाह किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि ना अमरीका, ना इसराइल और ना ही भारत इस डिवाइस से बच सकते हैं। इसलिए इस डिवाइस से जो खतरनाक लहरें निकलती हैं, वो चंद ही सेकंड में कहीं से कहीं पहुंच सकती हैं। इसके जरिए किसी भी जगह पर आग लगाई जा सकती है। नासिंग रमी, ये जानकर आपको हैरानी होगी कि ये डिवाइस खुला में छोड़ी गई है, जो दुनिया के गिर्द चक्कर लगाती रहेगी और इसके जरिए किसी भी एक मुल्क को काउंटर किया जा सकेगा। इस डिवाइस के अंदर कई खतरनाक लहरें मौजूद होती है, इंसान दंग रह जाता है। ये सेटेलाइट के जरिए खुला में भेजा जाएगा। पाकिस्तान ने इसमें जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से इसकी ताकत में बेपनाह इजाफा हो गया है। नासिंग रामी, यहाँ आप ये सोच रहे होंगे कि कोई लेजर किस्म की डिवाइस है जिसमें से लहरें निकलती हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसमें से एक और ताकतवर किस्म की लहर खारिज होती है, जो किसी भी चीज को पल भर में भस्म कर देती है। ये डिवाइस पाकिस्तान के आर टेक्नोलॉजी कारपोरेशन ने तैयार की है। इसकी तैयारी 1995 में शुरू की गई थी और कहा जा रहा था कि 20 साल में ये मुकम्मल हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि 2015 तक मुकम्मल हो गया होगा, लेकिन पाकिस्तान ने हस्बे दस्तूर इसे खुफिया ही रखा हुआ था। इस हथियार के बारे में कहा जाता है कि जब किसी भी मुल्क पर फायर किया जाएगा, इसमें से 60 मेगावाट के बराबर तवानाई खारिज होगी, और ये इतनी बड़ी तवानाई है कि पूरा मुल्क तबाह हो सकता है। इसमें से जो नहरें निकलेंगी, एक सेकंड से भी कम वक्फे में निकलेंगी और पल भर में जिस चीज से टकराएंगी उसको जला देंगी। जब भारत ने अपना एटमी धमाका किया, तो उस वक्त पाकिस्तान ने भी भारत को दिखाने के लिए कि हम किसी से कम नहीं हैं, और उस वक्त पाकिस्तान ने भी बताया था कि हमारे पास भी एटमी टेक्नोलॉजी मौजूद है। उस वक्त भी भारत और अमेरिका सटप के रह गए थे, और इसराइल में भी खलबली मच गई थी कि पाकिस्तान ने कितनी जल्दी एटमी ताकत हासिल कर ली है। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान का एटम बम भारतीय एटम बम की निस्बत 3 गुना ज्यादा ताकतवर है और ज्यादा तबाही फैला सकता है। ये खबर भी सुनी जा
जा रही है कि भारत अपने किसी हथियार पर खुफिया तरीके से काम कर रहा है। ये हथियार कौन सा है? जब मंजर आम पर आएगा तो इसका इदराक सबको हो जाएगा, लेकिन फिलहाल इसे खुफिया रखा जा रहा है। इसी तरह पाकिस्तान भी अपने हथियारों को खुफिया रखता है और वक्त आने पर जाहिर कर देता है। अब अगर भारत का ये काली नामी हथियार सामने भी आ गया और इसके बारे में बताया जा रहा है, इसमें जो तवानाई खारिज हो सकती है इसके अंदर 40 मेगावाट तक बताई जा रही है। अब अगर भारत ने ये काली हथियार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया तो फिर पाकिस्तान भी अपने इस हथियार को सामने ले आएगा। जहाँ तक भारत के काली हथियार का ताल्लुक है, हम आगे चलकर इसकी तफसील बताएंगे, लेकिन इसके लिए आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके। शुक्रिया। नासिंग रामी, जैसा कि हमने बताया है कि गाजी 2 खला में गर्दिश करता रहेगा और अगर किसी भी मुल्क ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई की तो ये उस वक्त गाजी 2 को ऑपरेट कर दिया जाएगा और दुश्मन के परखचे उड़ा दिए जाएंगे। जब इसको ऑपरेट करने के बटन दबाया जाएगा तो फिर एक क्यामत का नमूना वो मुल्क देखेगा जिस पर यह चलाया जाएगा और इसके नतीजे में जो तबाही आएगी वो भी किसी क्यामत से कम न होगी। एक आग होगी जो हर तरफ लग जाएगी और जो भी इसकी लपेट में आ जाएगा भस्म हो जाएगा। ये इतना खतरनाक हथियार है कि हजारों मील का रकबा पल भर में जलकर राख कर देगा। इसके साथ हमसाए मुल्क पर भी पड़ सकते हैं। इस डिवाइस को चलाने के लिए एक बटन दबाने की जरूरत है और इसके अंदर से निकलने वाली जो बीम ने काम करना है इसका तोड़ किसी के पास ना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस डिवाइस से पल भर में किसी भी मुल्क को भस्म किया जा सकता है। अमरीका की रिपोर्ट में भी इस बात की तरफ इशारा किया गया कि पाकिस्तान ने गाजी 1 को भी एक्टिव किया हुआ है जो कि इतना खतरनाक है कि ये अपनी बीम की ताकत से किसी त्यार को 2 टुकड़ों में तब्दील कर सकता है। ये खबर भी आ रही है कि पाकिस्तान ने ये डिवाइस जंगी त्यारों में लगाने का भी इंतजाम कर लिया है और उन त्यारों की मदद से इस डिवाइस को फायर किया जाएगा। इस डिवाइस को पाकिस्तान की एक टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी ने तैयार किया था। इसके अंदर होम किस्म की लेजर बीम इस्तेमाल की गई है। ये इदारा जिसने लेजर गन तैयार की है इस्लामाबाद से 20 किलोमीटर दूर पहाड़ी सिलसिला मारगले में वाकई है। ये इदारा 1994 को कायम किया गया था जिसमें 400 के करीब माहरीन मौजूद हैं। इस इदारे में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के माहिर अफराद शामिल हैं। ये इदारा पाकिस्तान आर्मी के हर किस्म के हथियार बनाने में महारत रखता है। इसके साथ साथ खुफिया हथियार को बनाने में भी इसको एक खास मुकाम हासिल है। जहाँ तक गाजी 1 का ताल्लुक है, इसको एक खुफिया हथियार के तौर पर तैयार किया गया है। खुफिया डिवाइस इसलिए इसको कहते हैं कि ऑपरेशन के दौरान ना इसकी आवाज आती है और ना ही दुश्मन को इसका पता चलता है कि कब फायर किया गया और ना ही कोई दिफाई निजाम इसको डिटेक्ट कर सकता है। नासिंग रामी, यहाँ एक और बात भी आपको बताते चलें कि चीन ने भी भारत के खिलाफ इस किस्म की लहरों को इस्तेमाल करके भारतीय फौज को इस तरह बीमार कर दिया था कि इनको पता ही ना चला कि इनके साथ क्या हुआ है। चीन ने माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल किया था और इन वेव्स इतनी ज्यादा हरारत पैदा कर दी गई थी कि भारतीय फौजियों के जिस्म जलने लग गए थे और इनको कुछ ना पता चला और वो बुरी तरह जहनी बीमारी का शिकार हो गए। इस तरह जो हथियार पाकिस्तान ने बनाया है वो भी इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक पल्स पैदा करता है। ये एक सेकंड में दुश्मन के सीने से आर पार हो जाता है। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान की ये टेक्नोलॉजी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगेबान। I'm so impressed. मुझे पता था कि पाकिस्तान के पास एटमी पावर है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो इंडिया से अगर कंपेयर किया जाए तो वो 3 गुना ज़्यादा पावरफुल है। सुन के बहुत इम्प्रेस्ड हुई हूँ कि अच्छा, इतना ज़्यादा ताकतवर है, इंडिया से 3 गुना ज़्यादा ताकतवर है। और उसके अलावा भी ये गाजी 1 और गाजी 2 के जो इलेक्ट्रॉनिक वेपन्स है, मतलब पाकिस्तान आर्मी के पास इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और हमें सब पता है कि वो जो पाकिस्तानी आर्मी है वो पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग शील्ड है। अगर वो ना होती तो पाकिस्तान के दुश्मन कब के पाकिस्तान को ख़त्म कर चुके होते।
लेकिन इतनी ज़बरदस्त आर्मी है और टेक्नोलॉजी है, वेपन्स है, कि वो जो है दुश्मन जो है वो 100 दफ़ा सोचेंगे पाकिस्तान के करीब आने से पहले। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त बात है और अल्लाह ताला पाकिस्तानी आर्मी को और ज़्यादा तरक्कियाँ अता फरमाए, इससे भी अच्छी जो है वो वेपन्स प्रोड्यूस करें और हमेशा जदीद टेक्नोलॉजी को फॉलो करते रहें और जदीद तरीन जो है वो वेपन्स अपने पास रखें ताकि वो अपने मुल्क को महफूज रखें। बहुत इम्प्रेस्ड हुई हूँ, मुझे नहीं पता था कि इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान के पास। और जो एटमी पावर है वो 3 गुना ज़्यादा पावरफुल है और ताकतवर है इंडिया के इंडिया से कंपेयर किया जाए तो काफ़ी इम्प्रेस्ड हुई हूँ ये वीडियो देखकर। और दुआएं हैं पाकिस्तान के पास के साथ, पाकिस्तान के लिए बहुत दुआएं हैं कि वो हमेशा सेफ रहें और अल्लाह ताला उसके उसको दुश्मनों से बचाएं और पाकिस्तानी आर्मी को इस काबिल बनाएं कि वो हमेशा दुश्मनों को दूर रखें और अपने मुल्क को की हिफाजत करें। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह। देखा पाकिस्तान।